है वो सब गाइस, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो? सॉरी आई होप आप सारे मस्त होंगे। तो गाइस आज एडिटिंग देख लो किस टाइप की एडिटिंग होने वाली है। गाइस बहुत ट्रेंडिंग में चलने वाली एडिटिंग। गाइस आप भी चाहते हो ना इस टाइप की एडिटिंग, यार बिल्कुल वीडियो यार फुल वॉच करना। अगर ये गाइस इंस्टाग्राम यूज करते हो ना तो गाइस डेफिनेटली 100% भाई एडिटिंग जरूर आनी चाहिए, क्योंकि वायरल हो जाएगी एडिटिंग, आप पे भी लाइक फॉलोवर आ ही जाएंगे। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस वीडियो को लाइक ही नहीं करते लाइक कर देना, जो भाई चैनल पर नया आए हुए हैं सब्सक्राइब कर देना, साथ तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो यार फॉलो कर लेना, लिंक इसमें स्क्रीन पर यूजर नेम मारा होगा इसमें स्क्रीन, तो जाओ जाकर फॉलो करो। वहाँ तो मेरा भाई एनिमेटेड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट वगैरह क्रिएट करता रहता है। आपको अच्छे लगे तो यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके गाइस कुछ भी दिक्कत आ रही हो एडिटिंग से रिलेटेड तो अपने भाई को यार इंस्टाग्राम पर जरूर डीएम कर देना, तो ना भाई जरूर रिप्लाई करेगा आपकी प्रॉब्लम का। ओके गाइस अब वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट डूड ओके गाइस, ये फोटो हमने गैलरी में ओपन कर लिया, आपको दिख रहा होगा गाइस अभी तक हमने कुछ भी स्टेप नहीं करा इस एडिटिंग पर, ना कि गाइस फेस मूड, ना कि गाइस कुछ भी। तो गाइस अब एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस आपको पहले एप्लीकेशन जो ओपन करनी है वो करनी है स्नैपचैट एप्लीकेशन, उसमें हमारा फेस जो ब्राइट करना है। तो गाइस पहले हम ब्राइट करते हैं फेस को, तो गाइस शेयर करते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन में। ओके गाइस स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन कर लिए, आ चुकी है हमारी फोटो भी। तो गाइस अब क्या करना है, आपको जाना है पेंसिल वाला आइकन में। पेंसिल वाला आइकन में जाने के बाद आपको मिल जाता है सेलेक्टिव का ऑप्शन, तो गाइस सेलेक्टिव वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर आपको प्लस आइकन दिखेगा, आपको नीचे दिख रहा होगा ये वाला प्लस आइकन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर जैसे गाइस क्लिक करोगे फोटो को जूम करना है। जहाँ पर आपको फेस गाइस ब्राइट करना है तो गाइस वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस स्क्रीन पर आप क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो गाइस प्लस आइकन पे आपको बिल्कुल फेस पर ले आना जहाँ पर आपका फेस ब्राइट जाना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोनों हाथों से यहाँ पर क्लिक करना है, तो दोनों उंगली से आपको क्लिक करना है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऊपर करोगे तो बड़ा हो जाएगा, नीचे करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो गाइस पर फेस पर मास्क सेलेक्ट करना है, मास्क सेलेक्ट करने के बाद यहीं छोड़ देना है। यहीं छोड़ने के बाद आपको गाइस ब्राइट करना है, तो गाइस ऐसे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो गाइस जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आप दोस्तों फेस कितना व्हाइट हो चुका है, ब्राइट हो चुका है। तो गाइस बिल्कुल अमेजिंग लुक आ चुकी है। तो गाइस देख सकते हो बिफोर आफ्टर, ये देखो बिफोर, ये देख सकते हो बिफोर, ये देखो आफ्टर। ओके तो गाइस अब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फेस कितना ब्राइट हो चुका है, ये देखो बिफोर आफ्टर। तो गाइस दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टिव वाला ऑप्शन, तो सेलेक्टिव वाला ऑप्शन में आने के बाद दोबारा मैं हल्का सा और ब्राइट कर लूँगा थोड़ा। ओके तो यहाँ पर हमने ये वाला ब्राइट हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो गाइस यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक हो चुका है बिफोर आफ्टर। तो गाइस फेस ब्राइट हो चुका है। गाइस जो हमारे हैंड है हमें भी हम कर लेते हैं हाथ को थोड़े ब्राइट कर लेते हैं, तो गाइस नकली नकली से लगेगा नहीं तो। ओके इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराते यार फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर जो मेरा अपने भाई को इसलिए मिसिंग, तो जाओ जाकर फॉलो कर लेना। ओके तो गाइस यहाँ पर हमारा फेस ब्राइट हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब गाइस जो हमारा पहला स्टेप खत्म होता है बिफोर आफ्टर फेस ब्राइट खत्म हो चुका है। अब गाइस जो हम पर पिंपल वगैरह हैं तो गाइस इन्हें हम रिमूव करने वाले हैं। तो गाइस आपको जाना है सेलेक्टिव ऑप्शन पे, आपको मिल जाता है यहाँ पर हीलिंग का ऑप्शन, ये वाला हीलिंग का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, हीलिंग वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको गाइस पिंपल वगैरह रिमूव करने हैं। तो गाइस जैसे आपको यहाँ पर पिंपल वगैरह जो भी निशान वगैरह हैं डल वगैरह, तो गाइस आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे रिमूव हो जाएंगे। ओके तो गाइस ऐसे आपको करते रहना है। तो गाइस जैसे हमारे यहाँ पर है इसे भी हम रिमूव कर लेंगे, तो 2-3 जगह हो रहे हैं। ओके ऐसे गाइस आपको बस ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ करने के बाद आपको पिंपल वगैरह रिमूव हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, दूसरा स्टेप भी खत्म हो जाता है पिंपल वगैरह रिमूव करने। अब आता है तीसरा स्टेप फेस स्मूथ, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में। तो गाइस वो करने वाले ऑटोडेस्क स्केच बुक में, फोटो को हम ओपन करते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक में, शेयर करते हैं। ओके गाइस यहाँ पर हमने ऑटोडेस्क स्केच बुक ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर एक लेयर बनानी है, फोटो की लेयर पर जाना है, इस पर गाइस आपको टैप करना है। इस वाली लेयर पर टैप करने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन, तो गाइस डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, ऊपर वाली लेयर पर आपको वर्क करना है, तो नीचे वाली लेयर पर नहीं करना है, ऊपर वाली लेयर पर वर्क करना है। वर्क करने के बाद आपको जाना है पेंसिल वाले आइकन में, पेंसिल वाले आइकन में जाने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर स्मज का ऑप्शन, ये वाला टूल्स मिल जाता है आपको ये वाला। ओके तो गाइस यहाँ पर आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है दूसरी लाइन में दूसरा ब्रश। ओके तो गाइस हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग देख लेना ध्यान से। ओके तो गाइस जो आपकी फ्लो है वो रखनी है 8 के आसपास, इस तरह आपकी 6।
ओके साइज अपने हिसाब से रख लेना छोटा है बड़ा। ओके तो गाइस देखते हैं कितना रखना है साइज। ओके तो गाइस यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं साइज को। तो गाइस पहले आपको ड्रॉ कैसे करना है ब्रश, तो गाइस आपको ड्रॉ करना है कुछ ऐसे, इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है पहले। तो जैसे आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करने के बाद आपको गाइस बिल्कुल हल्के हल्के से कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस पर मैंने वैसे पहले से डेफिनेटली वीडियो बना रखी है, वीडियो चेकआउट नहीं करिए तो वीडियो चेकआउट कर लेना, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो गाइस जरूर जाकर वीडियो चेकआउट कर लेना। ओके तो भाई इसमें समझ में नहीं आने का है, जरूर उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में तुम्हारा भाई फुल एक्सप्लेन बता रहा है, समझ लेना। ओके तो भाई ऐसे आपको ड्रो करते रहना है जहाँ पर आपके डल वगैरह हैं। ओके तो भाई आप देखते हो लाइन वगैरह तुम्हारी रिमूव हो चुकी है, तो दिखाते हैं तुम्हारा भाई बिफोर आफ्टर, देखो बिफोर ये देखो आफ्टर। तो इसलिए तुम्हारा भाई ने दूसरी लेयर बनाई है जो कि गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा सके। ओके तो ऐसे आपको ड्रॉ करते रहना है। आपको कोई यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर हल्की हल्की लाइन दिख रही होगी, तो इन्हें भी हमें रिमूव करना है। तो गाइस पहले हमने ऐसे करा था, अब गाइस फोटो को सीधा करने के बाद अब गाइस आपको जो ब्रश चलाना है वो चलाना है गाइस ऐसे नीचे की ओर। तो गाइस हम ब्रश चलाएंगे ऐसे, तो गाइस जो हमारी लाइन थी ना बीच बीच में जो हल्की फुल्की लाइन है वो आपकी रिमूव हो जाएंगी। ओके तो यहाँ पर आप देख लेना लाइन हमारी रिमूव हो चुकी है, ये देखो गाइस बिफोर आफ्टर। तो भाई लाइन हमारी रिमूव हो चुकी है, आप देखते हो सही लग रहा है, फेस स्मूथ वगैरह हो चुका है। अब भाई जो हमारा नीचे से था यहाँ पर भी हम अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कर लेंगे। ओके तो भाई ऐसे आप करते रहना है। तो भाई मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप भी कर लेना, फुल एक्सप्लेन तो बता दिया तुम लोगों ने कैसे कैसे करना है। ओके तो भाई मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप भी करते रहना। ओके गाइस यहाँ पर हमने कर लिया बिल्कुल फेस स्मूथ, वो भी प्रोफेशनल लुक में, देखो बिफोर ये देखो आफ्टर। तो गाइस यहाँ पर हो चुका है। अब गाइस जो आपको इस पर क्लिक करना है लेयर पर, ऊपर वाइज लेयर पर क्लिक करना है, आपको मिल जाता है क्वालिटी का ऑप्शन। तो क्वालिटी पर आपको जैसे गाइस क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद गाइस हल्का सा आपको क्वालिटी को उसको थोड़ा कम कर देना है, जो कि गाइस हमारा फेस पर स्ट्रक्चर है वो वापस आ जाए। तो वापस आने के बाद यहाँ पर हमने गाइस कुछ माइनस करा है, माइनस करने के बाद अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो बिफोर ये देखो आफ्टर प्रोफेशनल में लुक बना दिया तुम्हारा मैंने फेस स्मूथ। तो गाइस अब यहाँ पर स्टेप खत्म होता है फोर्थ या फाइव जो भी है। ओके तो यहाँ पर हमारा स्टेप वाला खत्म होता है। अब गाइस आता है वो आता है ऑयल पेंट हेयर एडिटिंग। अब देखते हो हेयर कितने बेकार है, तो गाइस सेम बनाते हैं वहाँ कूल हेयर ऑयल पेंट, वो भी गाइस ट्रेंडिंग में जो चल रही है एडिटिंग। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, टोलविज एप्लीकेशन है उसे गाइस हम ओपन करते हैं। ओके गाइस यहाँ पर मैं टोलविज एप्लीकेशन ओपन करने वाले, तो गाइस इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जो भी है गाइस इंटरफेस दिखने के बाद अब गाइस चलते हैं प्रो एडिटिंग पर। तो गाइस आपको ऑप्शन मिलता है पर प्रो एडिटिंग, तो प्रो एडिटिंग पर जैसे क्लिक करोगे आप, प्रो एडिटिंग करने के बाद आपको गाइस वाली फोटो सेलेक्ट करनी है जिसका करा था हमने फेस स्मूथ। तो फेस स्मूथ करने के बाद यहाँ पर हमारी फोटो आ चुकी है। तो फोटो आने के बाद आप गाइस जो हमारे आते हैं हेयर एडिटिंग, वो अभी हम करने वाले हैं। अब गाइस जो करने वाले हैं हम इफेक्ट में जाना है, आपको इफेक्ट में नीचे मिल जाता है यहाँ पर नीचे और मिल जाता है, दिख नहीं होगा आपको, अब दिख जाएगा ये वाला इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है। प्रोट्रेट के बराबर में इफेक्ट को ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको मिल जाता है सॉफ्ट स्मज वाला ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पर ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना, देखते रहना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट। ओके तो गाइस यहाँ पर आपको जूम करना है फोटो, अभी तक गाइस मेरी हेयर एडिटिंग सीक्रेट नहीं दिखा है तो वीडियो देख लेना, वीडियो चेकआउट करना, बहुत बूम वीडियो है उसमें गाइस तुम्हारे भाई ने फुल डिटेल में अपने हेयर बताने वाले हैं, फुल एक्सप्लेन में हेयर कैसे एडिट करता हूँ मैं। तो गाइस वीडियो चेकआउट नहीं करते, वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक इसमें आई बटन में लिंक है यार, वीडियो चेकआउट कर लेना। तो गाइस अब गाइस इफेक्ट हम यूज़ करने वाले हैं, तो गाइस जोन से भी आपको इफेक्ट पसंद आ रहा हो वो आप कर लेना। अब देखते हो गाइस हेयर कितने बूम हो चुके हैं, ये देखो जोन सा भी है गाइस वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस मेरे को ये वाले सेलेक्ट करने हैं, तो हेयर देखो तो हेयर की लेंथ बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। अच्छे होने के बाद ये हमारा गाइस जो हमारा फेस वगैरह पर है इन्हें हमें रिमूव करना है, हेयर हेयर पर रहने देना है। तो गाइस वो कैसे करना है, आपको मिल जाता है यहाँ पर मास्क का ऑप्शन, यहाँ पर मास्क का ऑप्शन मिलता है, मास्क पर क्लिक करना। क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लीन का ऑप्शन मिल जाता है, क्लीन करना। क्लीन करने के बाद आपको मिल जाता है गाइस अप्लाई, अप्लाई पर जैसे गाइस क्लिक करोगे आपको जहाँ पर अप्लाई करना है ना वहाँ अप्लाई कर सकते हो। ओके जैसे गाइस मुझे हेयर पर करना है, बस आपको गाइस ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ हेयर हेयर पर, बस गाइस हेयर हेयर पर करना है आपको ड्रॉ, हेयर की लेंथ भी अच्छी हो जाएंगी और हेयर भी अच्छे हो जाएंगे। ओके
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी लेंथ हो चुकी है हमारी हेयर की। बिफोर आफ्टर दिखाता है, बिफोर देखो आफ्टर, बिफोर देखो आफ्टर, कितने बूम हेयर हो चुके हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। इफेक्ट जोन से आपको पसंद आ रहा हो वो आप देख लेना। तो यहाँ पर आपको जो पहला दूसरा मिलता है इन्हें चौथे तक, गाइस बिल्कुल भी यूज़ मत करना, बिल्कुल हेयर की लेंथ अच्छी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपको 5, 7, 8, 9 जो भी मिल जाते हैं ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कितने बूम हेयर हो चुके हैं हमारे, बूम बिल्कुल फायर देख सकते हो बिफोर आफ्टर। ये देखो कितने बूम हेयर हो चुके हैं, पहले से बेहतर हो चुके हैं। तो गाइस हेयर ऑयल पेंट बता देता हूँ ना भाई, नहीं है तक थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, यार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो ना भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे एडिटिंग करते रहो, लव यू ऑल।